सेमेस्टर का जो नेक्स्ट पेपर होना है, डिजीज ऑफ फील्ड एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स एंड देयर मैनेजमेंट सेकेंड का, तो उसकी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ। दोस्तों इस टॉपिक पर मैंने 4 वीडियो पहले से ही अपलोड कर रखी है, तो उनको यदि आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा है, वहां से जाकर आप देख लीजिए। जब सभी वीडियो आप देखेंगे तभी तो आपको फ़ायदा मिलेगा। तो चलता हूं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो उससे पहले, चलने से पहले आप वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलता हूं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। कौन सी रोग में मछली जैसी गंध आती है, तो कौन सी डिजीज है जिसमें मछली जैसी गंध आती है, तो करनाल बंट जो होता है उसमें मछली जैसी गंध आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, मछली जैसी गंध का कारण है, तो मछली जैसी गंध का कारण दोस्तों क्या होता है, तो ये ट्राईमिथाइल एमीन्स के कारण आती है, और ये करनाल बंट में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सोलर हीट ट्रीटमेंट पौध रोग के नियंत्रण के लिए किसने भारत में प्रस्तुत किया था, तो सर्वप्रथम तो लूथरा एंड सैटर ने किया था सोलर हीट ट्रीटमेंट पौध रोग के नियंत्रण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, गेहूं में लगने वाले लीफ रस्ट का अल्टरनेट होस्ट क्या है, तो गेहूं में जो लीफ रस्ट लगता है उसका अल्टरनेट होस्ट क्या होता है, तो थैलिक्ट्रम होता है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें थोड़ा इंग्लिश मिक्स है, तो इसको आप मैनेज करना होगा, पेपर में भी ऐसे ही लिख कर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हवा के द्वारा कौन से रोग डिजीज का फैलाव अधिक होता है, तो अधिक है तो वीड स्टेम रस्ट का हवा के द्वारा सर्वाधिक फैलाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन से कवकनाशी रस्ट के लिए अधिक प्रयोग किए जाते हैं, तो दोस्तों जो होता है प्लांट वैक्स जो होते हैं कवकनाशी रस्ट के लिए अधिक प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नाशपाती आकार की बीजधानी किस रोग जनक में बनती है, तो नाशपाती आकार की बीजधानी जो होती है फाइटोप्थोरा रोग जनक में बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आलू का पछेती झुलसा रोग है, तो आलू का पछेती झुलसा रोग जो होता है सॉयल बॉर्न और सीड बॉर्न दोनों होता है। दोस्तों सॉयल बॉर्न का मतलब हो गया मृदा जनित और सीड बॉर्न मतलब हो गया बीज जनित। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पत्तियों की निचली सतह फुंजीदार या रोएं जैसे सफ़ेद किस रोग में होते हैं, तो दोस्तों डाउनी मिल्ड्यू में होता है फुंजीदार और रोएं जैसे सफ़ेद सतह पर होते हैं निचली सतह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डाउनी मिल्ड्यू ऑफ पी रोग है, तो सॉयल बॉर्न है, तो डाउनी मिल्ड्यू ऑफ पी मतलब मटर का डाउनी मिल्ड्यू जो है मृदा जनित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ वीट रोग है, तो पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ वीट रोग कैसा है, तो ये सॉयल एंड एयर बॉर्न है, तो यह वायुजनित मृदा जनित दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एरीसाइफी ग्रैमिनस टिटिसाई है, तो दोस्तों ऑब्लिगेट एक्टोपैरासाइट है। तो दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, मैं देख रहा हूँ, तो आप लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे और अच्छे से अच्छे नोट्स मैं प्रोवाइड करा सकूं। तो चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। दाना में काला या गहरा जैतूनी भूरा चूर्ण सफ़ेद किस रोग का लक्षण है, तो दोस्तों ये गेहूँ के लूज स्मट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, करनाल बंट को सबसे पहले कहाँ देखा गया, तो दोस्तों ये करनाल बंट को करनाल में सबसे पहले देखा गया और 1931 में इसको मित्रा द्वारा खोजा गया। तो दोस्तों यदि आपने व्हाट्सएप ग्रुप 6 सेमेस्टर का ज्वाइन नहीं किया है हमारे चैनल का, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं, या नंबर इस पर नोट कर रहा हूं, इस पर मैसेज करके व्हाट्सएप पर आप ज्वाइन कर सकता हूँ मैं, तो ये मैं नंबर मैं नोट करा दे रहा हूँ, 7902166898। तो इस पर मैसेज करके आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
आलू का अगेती झुलसा रोग है तो कैसा है दोस्तों, तो मृदा जनित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, आलू के अगेती झुलसा रोग प्रतिरोधी किस्में हैं, तो कौन सी हैं? कुफरी अलंकार है, कुफरी नवीन है और कुफरी सुंदूरी है। नेक्स्ट आता है, रेड रॉट नाम भारत में किसने दिया था? तो दोस्तों ये बटलर के द्वारा दिया गया था। दोस्तों वीडियो को आपने लाइक अभी तक नहीं किया है, प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सिस्टस कैंकर रोग के लक्षण दिखाई पड़ते हैं, तो दोस्तों कहाँ पर? तो पत्तियों और कांटों और फल सभी पर दिखाई पड़ते हैं सिस्टस कैंकर के लक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सिस्टस कैंकर रोग मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों उत्तरी भारत में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन प्राथमिक प्रसारण किसके द्वारा होता है? तो एंगुलर लीफ ऑफ स्पॉट ऑफ कॉटन का जो प्राथमिक प्रसारण होता है किसके द्वारा होता है? वह मृदा द्वारा होता है, सॉयल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आलू का ह्रास रोग के नाम से किस रोग को जाना जाता है या कहा जाता है दोस्तों? तो पोटैटो मोज़ेक को आलू का ह्रास कहा जाता है, और दोस्तों ये 1914 में यूएसए एंड यूरोप में कहा गया था इसको, पोटैटो मोज़ेक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गेहूं का सेहू या गेगला रोग का वर्णन भारत में सबसे पहले किसने किया? तो किसने किया था? मिलने ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, पत्तियों पर पिटिकाएं जैसी संरचना किस रोग में दिखाई देती है? तो दोस्तों ये गेहूं के सेहू या गेगला रोग में दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सिस्टस ग्रैनिंग रोग का प्रसारण किससे होता है? तो दोस्तों किससे होता है? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एंड सिस्टस पैसेला द्वारा होता है। तो दोस्तों वनस्पतिक प्रसारण द्वारा और सिस्टस पैसेला के द्वारा जो होता है सिस्टस गेनिंग का रोग का प्रसारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जेंथोमोनास एक्सेनोपोडिस है तो ये कैसा है? तो दोस्तों जेंथोमोनास एक्सेनोपोडिस जो होता है ग्राम नेगेटिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, ग्रासी सूट डिजीज़ प्रसारित होता है तो किसके द्वारा होता है प्रसारित ग्रासी सूट डिजीज़? तो ये एफिड द्वारा होता है दोस्तों। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को मिस ना कीजिएगा, आप ध्यान से पढ़िएगा जिससे आपको ये बहुत ही अच्छे लर्न हो जाएं, तो और जिससे परीक्षा में आपको बहुत ही सहूलियत मिलेगी। चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। इंडेमिक डिजीज का उदाहरण है, तो इंडेमिक डिजीज कौन कौन सी हैं? वीट है, रस्ट है, रेड रॉट ऑफ पोटैटो है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो है। दोस्तों वीडियो की सभी पार्ट को आप देखिएगा तभी आपको इसका फ़ायदा मिल सकेगा। चलता हूँ नेक्स्ट वीडियो की तरफ। तो दोस्तों अ फादर ऑफ वीट रस्ट डिजीज इन इंडिया के नाम से जाना जाता है, तो किसको? तो दोस्तों डॉक्टर केसी मेहता को फादर ऑफ वीट रस्ट डिजीज इन इंडिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फंजी एंड डिजीज इन प्लांट पुस्तक के लेखक हैं, तो फंजी एंड डिजीज इन प्लांट पुस्तक के लेखक कौन है? ई जे बटलर जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, रेड रॉट का आक्रमण किस समय होता है? तो दोस्तों रेड रॉट का आक्रमण जो होता है जुलाई में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रस्ट के द्वारा मटर में कितने परसेंट हानि होती है? तो 20 से 25% हानि हो जाती है रस्ट के द्वारा। दोस्तों वीडियो का पार्ट 1 और 2 स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं, वहां से आप क्लिक करके देख सकते हैं, और अदर वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा हुआ है। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।